नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ये जो न्यूक्लियोटाइड है, जो मोनोमर है, जो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनाता है, डीएनए बनाता है, तो उसका स्ट्रक्चर अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसकी जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनती है, तो उसमें जो न्यूक्लियोटाइड है वो किस चीज से बने हुए थे, राइट? तो उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड एक्चुअल में है क्या? न्यूक्लिक एसिड की डेफिनेशन, डीएनए एंड आरएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड आर न्यूक्लिक एसिड्स दैट कैरी आउट सेल्युलर प्रोसेसेस स्पेशली इन द रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स। डीएनए और आरएनए जो है वो सेल्युलर प्रोसेस बताते हैं और वो एक्सप्रेस करते हैं जीन को, राइट? जो फिनोटिपिकली हमें दिखता है। डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है, राइट? और आरएनए जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इट मीन्स कि डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है, जैसे लैडर होता है उसी हिसाब से डीएनए होता है। यहाँ पे बेसिस होते हैं। अगर इस लेडर को हम ट्विस्ट कर ले तो इस तरीके से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट? तो डीएनए जो है डबल स्टैंडर्ड होती है और आरएनए जो है मोस्टली सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, राइट? तो डीएनए किस चीज का बना है? मोनोमर क्या है डीएनए का? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीजों से बना हुआ होता है। न्यूक्लियोटाइड कंटेन थ्री कंपोनेंट्स, राइट? सबसे पहले है नाइट्रोजिनस बेस, राइट? ये जो है वो नाइट्रोजिनस बेस है। सेकंड वन इज पेंटोज सुगर, राइट? एंड थर्ड वन इज फॉस्फेट ग्रुप। तो ये जो तीन कंपोनेंट है वो जुड़ के एक न्यूक्लियोटाइड बनाता है, राइट? और ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ के क्या बनाता है? पॉलीमर चेन बनाता है डीएनए की, राइट? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है जिससे डीएनए बनता है, राइट? तो ये जो है थ्री कंपोनेंट्स, उससे एक न्यूक्लियोटाइड बनता है जिसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं, नाइट्रोजिनस बेस, सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, राइट? तो अगर हम सुगर की बात करें तो यहाँ पे बताया है पेंटोज सुगर। पेंटोज क्यों? क्योंकि फाइव कार्बन सुगर है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, फाइव कार्बन सुगर है, इसलिए इसको बोलते हैं पेंटोज सुगर, राइट? सुगर यहाँ पे दो टाइप की बताई गई है। आरएनए में है राइबोज सुगर होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज सुगर होती है, राइट? तो इसमें डिफरेंस क्या है आरएनए की सुगर और डीएनए की सुगर में? डीऑक्सी मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, डीऑक्सी। तो आरएनए के जो फाइव कार्बन है, जो सुगर के फाइव कार्बन है, पेंटोज सुगर के फाइव कार्बन है, उसमें से सेकेंड नंबर का जो कार्बन है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एच ग्रुप प्रेजेंट है, राइट? ओ एच नहीं है, एच ग्रुप प्रेजेंट है। इट मीन्स के डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो इस टाइप की जो सुगर होती है वो किसमें प्रेजेंट होती है? डीएनए में, जिसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज। डीऑक्सी मीन्स डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो राइबोज सुगर है, ये जो पेंटोज सुगर है, वहां पे सेकेंड नंबर के कार्बन पर ओ एच ग्रुप नहीं होता और सिर्फ एच होता है, तो इसकी वजह से इसको बोला जाता है डीऑक्सी राइबोज, राइट? डीऑक्सी राइबोज जो प्रेजेंट होता है डीएनए में, राइट? और आरएनए में राइबोज सुगर मीन्स आरएनए में यहां पे ऑक्सीजन होता है, राइट? तो उसे बोलते हैं सिंपली राइबोज सुगर। तो ये हो गया सुगर, राइट? कि आरएनए में राइबोज होती है और डीएनए में डीऑक्सी राइबोज होती है। और सुगर बेस, नाइट्रोजिनस बेस और फॉस्फेट, ये तीन कंपोनेंट से बनता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अगर फॉस्फेट को हम निकाल दे, अगर फॉस्फेट को निकाल दे तो सिर्फ रह जाएगा नाइट्रोजिनस बेस एंड सुगर। तो इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। अगर सिर्फ सुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस जॉइंट है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। अगर सुगर बेस प्लस फॉस्फेट है तो उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। और डीएनए और आरएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड, राइट? तो नेक्स्ट हम आते हैं नाइट्रोजिनस बेस पे। नाइट्रोजिनस बेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो दो टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पाइरिमिडिन्स, राइट? प्यूरिन्स कौन से हैं? एडेनाइन एंड ग्वानिन, एडेनाइन एंड ग्वानिन, ए एन जी। एंड पाइरिमिडिन्स है साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, राइट? सो एडेनाइन ग्वानिन जो है प्यूरिन्स है और साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल जो है वो पाइरिमिडिन्स है, राइट? डीएनए जो है उसमें कौन से नाइट्रोजिनस बेस प्रेजेंट होते हैं? साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनाइन एंड थायमिन। डीएनए में यूरेसिल नहीं होता, राइट? डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। डीएनए में ओनली फोर नाइट्रोजिनस बेस जो प्रेजेंट होते हैं वो कौन से हैं? एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमिन।
जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ बेस पेयर करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और जो एडेनाइन है वो थाइमिन के साथ बेस पेयर बनाएगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, राइट। वो हम आगे डिटेल में देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, राइट। और जो आरएनए होता है, उसमें भी सिर्फ 4 टाइप्स के नाइट्रोजिनस बेस होते हैं। उसमें होता है साइटोसिन ग्वानिन जो कि डीएनए में भी प्रेजेंट होता है, एंड एडेनाइन एंड यूरेसिल। सो इसमें थाइमिन नहीं होता, बट थाइमिन की जगह पे क्या होता है, यूरेसिल होता है, राइट। तो आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है, डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है, राइट। आरएनए में थाइमिन एब्सेंट होता है, डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम डीएनए और आरएनए का डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होती है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। दूसरा डिफरेंस हो गया कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस सुगर प्रेजेंट है, आरएनए में राइबोस सुगर प्रेजेंट है, राइट। तीसरा हो गया आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और थायमिन एब्सेंट होता है, डीएनए में यूरेसिल एब्सेंट होता है और थायमिन प्रेजेंट होता है, राइट। तो सिर्फ इतने से स्ट्रक्चर में हमने 3 डिफरेंस निकाले आरएनए और डीएनए के बारे में। तो ये जो यूरेसिल है वो बहुत रिएक्टिव होता है, इट इज अ वेरी रिएक्टिव, राइट। तो इसकी वजह से आरएनए है मोर कैटालिटिक एक्टिविटी। हमने स्टार्टिंग में ही देखा कि आरएनए का काम जो है वो बहुत सारे उसके फंक्शंस हैं, जैसे कि वो एज अ एडेप्टर भी यूज होता है, राइट। और वो कैटालिटिक एक्टिविटी भी करता है, कैटालिटिक मॉलिक्यूल भी है। तो उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, यूरेसिल की वजह से होते हैं, क्योंकि यूरेसिल इज अ वेरी रिएक्टिव स्पीसीज, राइट। तो उसकी वजह से आरएनए है मोर कैटालिटिक एक्टिविटी देन डीएनए, बट डीएनए जो है वो स्टेबल है, वो रिएक्टिव नहीं है क्योंकि उसमें यूरेसिल नहीं है, राइट। तो आरएनए कैटालिटिक एक्टिविटी क्यों ज्यादा है, क्योंकि उसमें यूरेसिल है, यूरेसिल जो है वो रिएक्टिव स्पीसीज है, तो उसकी वजह से आरएनए की कैटालिटिक एक्टिविटी ज्यादा है डीएनए की कंपेयर में, और डीएनए जो है वो स्टेबल है। सो नाउ क्लियर अबाउट द न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। ये हमने पूरे डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं दिया देखा, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखा जो 3 कंपोनेंट से बने हुए हैं, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज सुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप, राइट। नाइट्रोजिनस बेस 2 टाइप्स के, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन, प्यूरिन एडेनाइन ग्वानिन, पाइरिमिडिन साइटोसिन थायमिन यूरेसिल, राइट। थैंक यू।